नमस्ते दोस्तों, चलिए आज बनाते हैं पाकिस्तान का स्पेशल कराई चिकन। इसके लिए मैंने एक पैन रख दिया है, इसमें एक 3/4 स्पून तेल डाल रही हूँ। अभी ये गर्म होने पर 1 kg चिकन को छोटा छोटा पीस करके अच्छे से धो कर लिया है, वो डाल रही हूँ। इसे ऑयल में थोड़ा फ्राई करती हूँ। अभी देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया, चिकन से ही पानी अच्छे से छूटा है। मैंने 2 स्पून जितना अदरक लहसुन को कूट कर लिया है वो डाल लेती हूँ। अभी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अभी देखिए ये 2 मिनट हो गया है। अभी इस टाइम में ये टमाटो को 5 टमाटो डाल रही हूँ, मीडियम साइज है ये। इसके साथ मिक्स कर रही हूँ। अभी देखिए इसमें पानी है, मैं और थोड़ा 1 कप जितना डाल रही हूँ ये चिकन और टमाटो कुक होने के लिए। 5 मिनट तक लिड क्लोज करके कुक होने छोड़ती हूँ। अभी देखिए ये टमाटो कुक हो गया, उसका ऊपर का छिलका निकाल लेती हूँ। अभी देखिए इस टमाटो का छिलके को निकाल लिया है। अभी इस टाइम में ये टमाटो को थोड़ा कितना होता उतना मैश कर लीजिए, ऐसे मैश करके सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देती हूँ 1-5 मिनट तक। अभी देखिए ये टमाटो भी मैश हो गया। अभी इसमें 1 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून चिल्ली पाउडर, जीरा पाउडर 1 स्पून, पेपर पाउडर 1 स्पून, गरम मसाला 1 स्पून, धनिया पाउडर 1.5 टी स्पून, टेस्ट के अनुसार नमक। इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। मसाले के स्मेल जाने तक 2 मिनट कुक कीजिए बस। अभी 2 मिनट हो गया है, ये मसाला का स्मेल भी निकल गया है। इस टाइम में थोड़ा ग्रीन चिली स्लिट करके डाल रही हूँ और बटर को 1 स्पून बटर को डाल रही हूँ। बटर डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बहुत कप क्रीम, फ्रेश क्रीम। अभी ये सब डालकर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये मेरा कराची चिकन रेडी हो गया। अभी फाइनल में जिंजर को ऐसा छोटा छोटा पीस करके डाल रही हूँ और थोड़ा ग्रीन चिली को डेकोरेशन के लिए। अभी मेरा कराची चिकन रेडी हो गया। वाओ कितना अच्छा है, देखिए। तो मुंह में पानी आ रहा है देखते ही। नॉन रोटी के साथ खाने को तो बहुत ही स्वादिष्ट रहता है।